हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नया एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा स्नैप सर्किट जूनियर का। ये है मोटर कंट्रोल्ड साउंड्स। इसमें हमें चाहिएगा मोटर, यू1 म्यूज़िक, यू2 अलार्म और रजिस्टर 100 ओम का, 100 ओम का रजिस्टर चाहिएगा, स्पीकर, स्लाइड स्विच और बैटरी यूनिट, साथ ही स्नैप सर्किट के वायर जॉइंट्स चाहिएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा स्नैप सर्किट, इसमें 100 तरह के एक्सपेरिमेंट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा स्नैप सर्किट, ये इसका जॉइंटिंग बोर्ड। इसमें 1 to 10 हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं और ए से लेकर जी तक वर्टिकली अल्फ़ाबेट्स हैं। इसके लिए हमें चाहिएगा मोटर। हम मोटर निकाल लेते हैं। इसके बाद U1 म्यूज़िक, U2 अलार्म, 100 ओम वाला रजिस्टर जो ये R1 के नाम से है, और हमें चाहिएगा स्पीकर, SP, स्लाइड स्विच S1, ये है S1 स्विच, और हमें चाहिएगा 6 जॉइंट वाला 1 यूनिट, 5 जॉइंट वाला 1 यूनिट, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। साथ में 1, 2, 3, 4, 5 2 जॉइंट्स वाले 5 यूनिट्स चाहिएंगे। अलग कर लेते हैं, 3 जॉइंट्स वाले 3 यूनिट्स चाहिएंगे, 3 आते हैं इसके साथ। और चाहिएगा हमें बैटरी यूनिट, बस हमें इतना ही चाहिएगा, काफ़ी है, इसमें इतना ही दिया गया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटरी वाले से शुरू करते हैं। 7, 8, 9 पे ई वाली लाइन पे, ये है ई लाइन, और 7, 8, 9 इधर यहाँ पे बैटरी यूनिट लगेगी। इसके बाद हम लगाएंगे 3 जॉइंट वाला यूनिट ऐसे, जो है ई लाइन पे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे 5 जॉइंट वाला, ये देख लीजिए आप, पहले बुक में देख लीजिए, हमने पहले बैटरी यूनिट लगाया ई लाइन पे 7, 8, 9 पे, इसके बाद 3 जॉइंट वाला 1 यूनिट लगा दिया है, इसके नीचे 5 यूनिट वाला 1, 2, 3, 4, 5 ई लाइन पे आएगा। ये देखिए, ऐसे लगा दिया है। इसके बाद ये देखिए, हम 2 जॉइंट वाला 1 यूनिट 1 वायर ऐसे लगाएंगे बैटरी वाले इस पर। इसके बाद इसके नीचे हम स्लाइड स्विच लगा देंगे, ये देखिए ऐसे, जो कि है 9th लाइन पे, बी सी डी के बीच में। इसके बाद है 2 जॉइंट वाला 1 वायर, हम ऐसे लगा देंगे 9th लाइन पे, ए और बी के बीच में, ये लग चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे 4 जॉइंट वाला निकाल लेते हैं, 4 जॉइंट वाला वायर, ये देखिए 4 जॉइंट वाला वायर हमें लगाना है 7, 8, 9, 10 के बीच में ए वाली लाइन पे ऐसे, ये देखिए ऐसे लगाने के बाद इसको 2 से जॉइंट कर देना है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे, बुक के अनुसार आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैं ये वाला वायर लगा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे इसके एंड पे 5th वाले जॉइंट के। इसके बाद U1 म्यूज़िक लगाना है हमें COD के बीच में 1, 2, 3 पे ऐसे, ये देखिए, अब इसको हमें इससे जॉइंट कर देना है। इसके बाद हमें दिया गया इधर
सिक्स जॉइंट वाला वन यूनिट, तो हम ये लगा देते हैं, सिक्स जॉइंट वाला वायर लगा देते हैं ऐसे। ए लाइन पे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद हमें इसको टू वाले वायर से, टू जॉइंट वाले से कनेक्ट करना है ऐसे, ये देखिए। अब हमें लगानी है मोटर फर्स्ट लाइन पे ए बी सी के बीच में, हम लगा देंगे ऐसे। पॉजिटिव साइड इस बुक में देखिए, पॉजिटिव साइड हमें इस ओर रखना है, तो हम पॉजिटिव साइड इसका जो ये साइन है इधर रखेंगे, ये देखिए ऐसे लग गया है। इसके बाद हम जोड़ेंगे एक और टू जॉइंट वाला वायर, ये देखिए ऐसे। अब हम लगा देंगे यूट्यूब अलार्म 4 5 6 के बीच में सी और डी लाइन पे ऐसे, इसके पैरेलल बिल्कुल, म्यूज़िक आईसी यानी U1 के पैरेलल लगा दिया है हमने। इसके बाद ये देखिए, हम इसको थ्री जॉइंट वाले वायर को इससे टू लाइन से कनेक्ट करेंगे सेकंड लाइन पे, ए बी सी सी के बीच में ऐसे, ये कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट हो गया है, इसके बाद हम इसको ये देखिए फिफ्थ लाइन में थ्री जॉइंट वाले से इसको भी ऐसे ही कनेक्ट करना होगा, ये हमने कर दिया है। अब हम लगाते हैं स्पीकर, स्पीकर हमें लगाना है एट लाइन पे बी सी डी के बीच में, एट लाइन है हमारी ये वाली, और हमें ये लगा देना है स्पीकर ऐसे। इसके बाद हम रजिस्टर को 100 ओम का है जो, उसको जोड़ देंगे और इसको टू जॉइंट्स वाले वायर से जोड़ देंगे, ये देखिए ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, देख लीजिए बिल्कुल फोटो की तरह बना है। इससे हमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव टू शो हाउ मोशन कैन ट्रिगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये हमें इससे जानने को मिलेगा, तो चलिए हम चला के देखते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं कैसे बनाना है ये भी। ये है ड्यूरासेल जो काफ़ी अच्छे चलते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छे देते हैं, इनको हम लगा देते हैं। और अब हम स्लाइड स्विच को ऑन करके देखते हैं ऐसे, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, साउंड आ रहा है इसमें, लेकिन मोटर नहीं चल रही है। ये देखिए आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, इसमें मोटर का चलने का काम नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाई गई है और इससे अलार्म निकल रहा है।